हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इलाहाबादी कचौड़ी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर इलाहाबादी कचौड़ी मसाला लिया है। ये हरी का कचौड़ी मसाला है। आप चाहे तो इसके जगह पर कोई भी कचौड़ी मसाला यूज़ कर सकते हैं। आटा गूंदने से पहले हम ये जो कचौड़ी मसाला है इसे ले करके हम इसका एक घोल बना लेंगे। करीब 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसे घोल बना करके रख देना है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम मसाला लिया है, तो उसमें एक गिलास तक पानी ले लिया है। आप अपने अनुसार भी मसाला और पानी ले सकते हैं। ये देखिए, 15 से 20 मिनट बाद हमारा मसाले का घोल बन करके तैयार है। तो अब हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम के आसपास आटा लिया हुआ है। फिर हमने इसमें यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। ये देखिए, रिफाइंड ऑयल मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें अपना मसाले का घोल भी डाल देना है और इसे भी हमें अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर लेना है। ये देखिए, वैसे इलाहाबादी कचौड़ी इलाहाबादी दमालू के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपने हमारे चैनल पर इलाहाबादी दमालू की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिए। फिर आटे में मसाला जब अच्छी तरह से मिल चुका है तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ये देखिए, मिलाते जाना है। कचौड़ी का आटा थोड़ा टाइट रहता है, नरम नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंद लिया है। आटा गूंद जाने के बाद इसमें इस तरह से पानी लगा करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेकर के और उसको गर्म हो जाने पर हमें उसमें कचौड़ियाँ डाल करके तल लेना है। कचौड़ियाँ तलते समय ये ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम रहे। पहले हमें एक साइड से लाल करना है, फिर हम इसे दूसरी साइड से भी लाल कर लेना है। इस तरह से बनी हुई कचौड़ियाँ पनीर की सब्जी, दम आलू या फिर चाय के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अब हमारी कचौड़ी बन करके तैयार है। अगर आपको हमारी कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।